हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, फिर से आ गई हूँ अपने डेली रूटीन का ब्लॉग लेके। तो गाइज, मैं मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज से हमारे बच्चों का स्कूल ओपन हो चुका है और आज है 2 जुलाई, 2 जुलाई का ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, मतलब पतिदेव जी का तो स्कूल 24 जून को ही खुल गया था, तो चले गए थे, लेकिन फिर आए थे। एक दिन की छुट्टी थी संडे को, तो आए थे, फिर मंडे को यानी कि कल वो चले गए हैं। और आज बच्चों का भी स्कूल खुल गया है तो अब मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू का पराठा बच्चों के टिफ़िन के लिए, और पिताजी भी उठ गए हैं, वो भी ब्रश कर रहे हैं, तो उनको भी चाय बनानी है और इधर बच्चों के लिए दूध भी गर्म करना है। क्योंकि जब तक बच्चों को जो है बेड पे मैं दूध नहीं दे दूंगी ना, तब तक वो लोग बिस्तर छोड़ेंगे ही नहीं। तो बचपन से वही आदत पड़ गई है उन लोगों की, तो वो छूट भी नहीं रहा है, कहीं बाहर जाएंगे तभी छूटेगा। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आलू का मैं मसाला ऐसे कुकर में तैयार कर ले रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी और चटपटा बन के तैयार होने वाला है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, मतलब अपने चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि अब हमारा घर जो है सूना सूना सा हो गया है एकदम से, क्योंकि हस्बैंड रहते थे तो भी मतलब कुछ ना कुछ हमेशा बोलते उलते रहते थे, तो फिर एकदम घर भरा भरा सा लगता था। वो भी चले गए हैं और बच्चे थे तो भी थोड़ा सा अच्छा लगता था। बच्चे भी मतलब आज से स्कूल जा रहे हैं, तो पूरा दिन जैसे अब फिर आएँगे स्कूल से तो 1 घंटे बाद कोचिंग, तो अब ऐसे ही रहता है। फिर से अकेलापन, अम्मा पिताजी अब नीचे रहने लगे, तो बिल्कुल ही अब मतलब इस फ्लोर पे मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। बहुत अजीब सा लगेगा, आज देखिए कैसा दिन बीता है मेरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आलू में मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट और पंचफोड़न का तड़का दे के, मिर्चा का, इन सबको मैं डाल के जो है पका लूँगी एकदम स्लो फ्लेम में। तो चलिए, मैं आलू को अच्छे से पहले मिक्स कर ले रही हूँ, उसके बाद जो है इसको मैं ढक्कन लगा के 1 सीटी तक इसको पका लूँगी। 1 सीटी में ही पक जाएगा आलू, क्योंकि आजकल के आलू जो है सॉफ्ट होते हैं, तो जो मतलब कि दुकान से आते हैं आलू ना, तो वो मतलब जल्दी पक जाते हैं कुकर में, तो 1 सीटी में पक जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहले क्या करूँगी कि बच्चों के लिए दूध बनाऊँगी। तो यहाँ जो है दूध की जो है मलाई पहले मैं निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद दूध गर्म कर लूँगी। तो दूध मतलब बना के दे दूंगी तभी वो लोग उठेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि अब जो है ना पिताजी के लिए यहाँ मैं मतलब कि इसके बाद दूध निकाल ले रही हूँ बच्चों का, फिर इसके बाद मैं चाय रखूँगी पिताजी के लिए, वो ब्रश कर रहे हैं और अम्मा भी उठ गई हैं। तो यहाँ मैं आटा गूँथ रही हूँ एक साइड में बच्चों को दूध देने के बाद, और चाय भी पिताजी का रख दी थी और यहाँ चाय हो गया है। और फिर चाय चलिए छान के मैं नीचे ले जाके दे रही हूँ अम्मा पिताजी को। तो वहाँ से मैं आ गई नीचे से चाय दे के फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए बच्चे भी उठ गए हैं, ये लोग ब्रश कर रहे हैं। और पूरे घर की तो सफाई अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सफाई करने में मुझे। यहाँ मैं मतलब भगवान के मंदिर के पास ही बस झाड़ू पोछा कर देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ हुआ रहता है ना, तो ये लगता है कि चलो यहाँ मतलब भगवान के पास साफ़ सफाई हो चुकी है, बाद में पूरा घर सफाई करना होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और ये देखिए हमारा आलू एकदम सॉफ्ट पक के रेडी है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं मैश से मैश कर दे रही हूँ, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ से मैश करेंगे ना, तो एकदम आराम से मैश हो जाएगा और बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी आलू का मसाला बन के तैयार है, एकदम समोसे की तरह। आप देख सकते हैं जैसे समोसे वाला आलू होता है ना, ठीक उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो चलिए, मैं फ्रेंड्स आलू का पराठा बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना ले रही हूँ, और फास्ट मोड पे मैं की हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो होता जा रहा है, सब कुछ दिखाने के चक्कर में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है फ्रेंड्स। तो आलू का पराठा मैं यहाँ बना ली हूँ, और यहाँ देखिए जो है प्रियम नाश्ता कर रहा है और नमन जो है पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं वीडियो क्लिप कर ली हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए अभी इन लोगों का जो है टिफ़िन मैं रेडी कर दी हूँ। तो टोमेटो सॉस के साथ खाते हैं ये लोग, तो टोमेटो सॉस के साथ जो है मैं आलू का पराठा दे दी हूँ। और उसके बाद अब चलते हैं, इन लोगों को देने के बाद अनुप्रियम आ गया है, टिफिन अपना ले लेता है, मतलब मुझे नहीं है कि पकड़ाना पड़ता है, नमन का काम तो हमेशा स्लो ही रहता है और आराम आराम से अपना सारा काम करते हैं। तो चलिए, इन लोगों का देने के बाद फिर फ्रेंड्स, क्या है कि आज मतलब कि पहला दिन है ना, तो हमारे यहाँ जैसे कुछ अच्छे मतलब जाते हैं कहीं पहले दिन, या फिर कहीं बाहर जाते हैं, या फिर मतलब
आज स्कूल का पहला दिन था तो ये हुआ कि अच्छा अच्छा हो तो फिर ये साल पूरा अच्छा जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ दही चीनी, और आज मंगलवार है तो हमारे यहाँ जैसे मंगलवार को जाते टाइम धनिया दिया जाता है, यानी कि सूखा जो धनिया होता है ना वो दिया जाता है, और दरवाजे के पास किसी मतलब चीज़ में पानी भर के रखा जाता है। तो यहाँ मैं पानी ले जा रही हूँ, दरवाजे के पास रखूँगी, दही चीनी और धनिया को प्लेट में रख दे रही हूँ, बच्चे जाते टाइम ले लेंगे। तो यहाँ देखिए प्रियम जो है अब जा रहा है, ये अपना दही चीनी खा लिया है, और नमन भी अब नाश्ता कर चुके हैं, अभी भी जाने वाले हैं। तो चलिए अभी लोगों को मैं छोड़ देती हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करती हूँ। तो नमन आ रहे हैं, और तब तक मैं सोची कि जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं सोफे ही सही कर लूँ। तो यहाँ सोफे की कवर मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। सुबह के टाइम इतना काम हो जाता है ना कि पूछिए मत। चाय बच्चों का जब स्कूल रहता है ना तो चाय पीने का भी टाइम नहीं रहता है। वैसे तो मैं आराम से चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आराम आराम से चाय पीऊँ, जल्दबाजी में मुझसे न खाया जाता है न चाय पिया जाता है, दो काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए नमन भी जा रहे हैं, तो चलिए मैं सोफे के कवर को सही कर दे रही हूँ, और उसके बाद फिर चलिए अभी मैं बालकनी में चलती हूँ। आज का मौसम जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब कि आज आज का क्या 3-4 दिन से मौसम बहुत सही है, और क्या है कि एकदम बादल बादल सा है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बस मतलब ऐसे ही बादल बना हुआ है। और यहाँ देखिए प्रियम आगे चला गया तो रोड पर पहुँच गया होगा, और नमन जा रहे हैं। तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं, और फिर अंदर की सफाई आप लोगों को मैं पहले दिखाती हूँ कि बच्चों के जाने के बाद भी कितना ज़्यादा काम रहता है। और अभी पिताजी भी नहा लेंगे तो उनके लिए भी नाश्ता चाहिए रहता है, तो जल्दी वो भी नहा लेते हैं, क्योंकि जल्दी उठते हैं, जल्दी चाय पी लेते हैं, तो फिर उनका नहाना धोना भी हो जाता है। तो अपने को लगता है ना कि कुछ बना के जल्दी से दे दो। तो यहाँ मैं सोफ़ा सही करने के बाद बाहर वाले कमरे का सोची कि अब यहाँ का मैं जब हाथ लगाई ही हूँ तो यहाँ का बिस्तर भी सही कर दूँ। तो यहाँ सोफ़ा सही करने के बाद डस्टिंग कर दी थी यहाँ इस कमरे का, उसके बाद जो है बिस्तर सही कर दे रही हूँ। तो उसके बाद गाइस जो है किचन में चलते हैं। तो हम लेडीज़ लोगों का क्या है कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और कुछ लोग मतलब जैसा जिस तरीके से करना चाहें उस उतना टाइम लगता है, तो बहुत लोग हैं बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, तो मुझसे तो भाई बहुत टाइम लग जाता है पता नहीं क्यों। तो मुझे ना साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सुबह के टाइम घर के, क्योंकि मतलब हर चीज़ हर जगह डस्टिंग करना, फिर बिस्तर सही करना, फिर झाड़ू पोछा, क्योंकि मैं मेट को भी इसके लिए नहीं लगाई हूँ, झाड़ू पोछा के लिए भी नहीं लगाई हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। तो गाइस देखिए पहले तो मैं किचन की यहाँ सफाई करूँगी, तभी चाय बनाऊँगी, क्योंकि जब तक यहाँ अभी मैं मतलब पराठा बना दी थी ना तो आटा लगा था, तो इस पर मैं चाय भी नहीं बना पाऊँगी। तो पूरा किचन की सफाई करूँगी अच्छे से, उसके बाद जो है चाय बना के पी लूँगी, फिर देखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं किचन और बेसिंग मतलब किचन का बेसिंग बाहर का बेसिंग ये मतलब मेरा रोज़ का है कि इस वाले फ्लोर पे 3 बेसिंग हैं, तीनों बेसिंग मैं मतलब कि डेली साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हैं हफ्ते में 2-3 बार साफ़ करते हैं, लेकिन मेरा हर एक बेसिंग डेली साफ़ होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स किचन साफ़ करने के बाद मैं अपने लिए चाय रख दी हूँ, और चाय जब तक हो रहा है तब तक चलिए यहाँ भी मैं लॉबी की भी थोड़ा सा डस्टिंग कर दे रही हूँ। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा टीवी वगैरह जो भी है, डाइनिंग टेबल तो मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ जब खाना खाते हैं ना सब लोग, तो फिर उसके बाद ही मैं डाइनिंग टेबल साफ़ कर देती हूँ। तो टीवी वगैरह जो मतलब बेसिन के पास शीशा है उसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और इस यहाँ की जो लॉबी में एक चौकी बस ऐसे ही रखी रहती है बैठने उठने के लिए, तो यहाँ का भी मैं बिस्तर साफ़ कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स चाय भी मेरा हो गया है, अभी मेरे कमरे की सफाई बाकी है, तो पहले मैं चाय पीऊँगी, और चाय मैं आराम से बैठ के पीती हूँ, और जब तक चाय पीती हूँ तब तक थोड़ा सा मोबाइल भी देख लेती हूँ। तो चलिए मैं चाय पी ली हूँ, और यहाँ भी मैं मतलब कि बेड ड्रेसिंग टेबल अलमारी सब कुछ साफ़ करके फिर मैं बिस्तर को सही कर दे रही हूँ। उसके बाद चलिए बिस्तर भी सही हो गया है यहाँ का, मतलब हर जगह की डस्टिंग हो गई है पूरे घर की। और उसके बाद अब काम बचा है हमारा झाड़ू पोछा का गाइस। तो चलिए चलते हैं पहले, और
आपको मैं आज दिखा रही हूँ मॉर्निंग रूटीन अपना, मतलब कि सुबह 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक, लगभग 9 बज ही जाएगा, 9 बजे तक मतलब कंटिन्यू मेरे हाथ पैर चलते ही रहते हैं, और तब जाके मेरा काम ख़त्म होता है। और खाना तो बाद में बनेगा, दोपहर वाला लंच जैसे बाद में बनाते हैं, क्योंकि सुबह कौन खाता है, तो नाश्ता वास्ता वगैरह हो गया है। तो झाड़ू पूरे घर में मैं लगा दी हूँ गाइस, सीढ़ी पे भी मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ बेसिन भी धुल दी, लॉबी की और बालकनी की हर जगह की बेसिन भी धुला गई है। उसके बाद लास्ट काम होता है सफाई का, पोछा लगाना। तो यहाँ मैं पूरे घर में भी पोछा लगा ले रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फिर नहाना धोना होगा, फिर नहा धो के देखिए मैं आ गई हूँ। और जल्दी जल्दी में आज पिताजी के लिए मतलब नाश्ता के लिए भी लेट हो रहा था ना, तो देखिए साड़ी में पिन उन भी नहीं लगाई हूँ। मेरा रोज का यही है कि बस नहा लेती हूँ और बस ऐसे ही किचन में घुस जाती हूँ, इतना रेडी होने का टाइम ही नहीं रहता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा सही करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैं आज बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि आज एकादशी है, तो फिर मतलब पिताजी के लिए नाश्ता में भी हो जाएगा। और सोची कि भगवान को भी मैं भोग लगा दूँगी मीठा का, तो यहाँ मैं पहले भगवान के लिए मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट में भोग लगाने के लिए। उसके बाद फिर पिताजी को मैं यही हलवा आज नाश्ते में दूँगी, और चाय बन गई है उनकी, तो यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ। वो अभी पूजा नहीं की हूँ, तो पहले उनको नाश्ता दे के आती हूँ, फिर पूजा करूँगी। तो पहले भगवान का भोग मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ, लगाने के लिए अलग कर ले रही हूँ। और उसके बाद जो है पिताजी को जब नाश्ता दे के आऊँगी, तब आराम से बैठ के पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करने मुझे टाइम थोड़ा लग जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सारा काम निपटा के तब आराम से बैठ के पूजा करें, क्योंकि माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाता है और स्थिरता नहीं रहती है दिमाग में, पूजा में मन नहीं लगता है जब काम रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सारा काम निपटा लूँ, फिर मैं पूजा में बैठूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ मैं पिताजी को पहले नाश्ता दे के आती हूँ। तो यहाँ फिर नाश्ता दे के आ गई हूँ, अब पहले आई हूँ सुबह सुबह यहाँ सूर्य भगवान को। और मतलब आज एकादशी है और मंगलवार है, तो तुलसी में तो जल हम नहीं छोड़ते हैं, न तो एकादशी न रविवार मंगलवार, ये मतलब 3 दिन तुलसी में जल हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो सूर्य भगवान को जल छोड़ने के बाद फिर यहाँ जो नीम का पौधा हम लगाए हैं, तो देवी मैया के नाम पे यहाँ नीम के पौधे में, यानी कि शीतला मैया का वास होता है, जैसा कि मैं बताई भी थी पहले भी। तो यहाँ मैं नीम के पौधे में माता रानी के नाम पे जल छोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर मंदिर में फ्रेंड्स। फिर से यहाँ मैं फास्ट मोड पे कर दी हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो होता जा रहा है। और यहाँ पे भगवान को नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, फिर भोग लगाना, धूप दीप बत्ती जलाना, ये सब करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। सब करने के बाद फिर मैं जाप करती हूँ, फिर पाठ करती हूँ, तब जाके मेरा पूजा समाप्त होता है। और कभी कभी तो इतना टाइम नहीं मिलता है ना, जिस दिन जैसे मतलब एक्स्ट्रा काम करना हो जाता है, तो मतलब कि खाना बनाने के लिए लेट होता है ना, तो ये सोचती हूँ कि बस अम्मा जैसे नहला धुला देती हैं, तो बस मैं भगवान को बस धूप बत्ती ही दिखा के और जल छोड़ के ही, और थोड़ा सा पाठ उठ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं बस क्या मतलब जैसा टाइम रहता है उस तरीके से हम लोग करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो हालांकि पूजा तो मेरा अच्छे से ही हो जाता है सुबह के टाइम। तो यहाँ मैं फ्रेंड्स धूप दीप भोग सब कुछ कर दी हूँ भगवान का, और मैं फूल ऊपर से ला नहीं पाई हूँ, हालांकि इस टाइम फूल बहुत अच्छे से खिल भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं सब कुछ करने के बाद पाठ भी कर ली हूँ, और मेरा पूजा समाप्त हो चुका है। और यहाँ अम्मा पूजा कर रही थी, और उसके बाद देखिए हम दही और मतलब जो हलवा बनाए थे उसका मैं भोग लगा दी हूँ ठाकुर जी को और विष्णु भगवान को। और बाकी मंदिर में पूजा हो चुका है, और जब तक फूल न चढ़ाइए मंदिर में तब तक जैसे लगता है कि पूजा हुआ ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ गए हैं, फिर से मैं अपने कमरे में बेडरूम में आ गई हूँ। और यहाँ कुछ कपड़े प्रेस करा के कल का आ के रखा था, तो उसको मैं हटाई नहीं थी, तो इसको मैं हटा दे रही हूँ, पहले अलमारी में सही कर दे रही हूँ। और अब मतलब कि इसके बाद जो है हमें धुलने हैं कपड़े, लगाने हैं मशीन में, तो वो काम तो मैं लास्ट में, अगर मतलब कि जैसे बच्चे रहते हैं या फिर हस्बैंड रहते हैं, तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम ही लगाते हैं, मतलब कि अगर वो लोग रहते हैं तो वो लोग भी मशीन लगा देते हैं, अगर मैं बिजी रहती हूँ तो, और नहीं तो मैं ही लगाती हूँ।
तो फ्रेंड्स आज तो फिलहाल मैं फ्री भी हो गई हूँ जल्दी ही, क्योंकि इस टाइम बज रहे थे 8:30 या 9:15 हो रहा था। तो आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो चुकी हूँ और अम्मा पूजा कर ले रही हैं, तो उसके बाद जो है नाश्ता वास्ता करेंगे हम दोनों साथ में। तो यहाँ फ्रेंड्स कपड़े लगाने के बाद मतलब हटा दी हूँ अलमारी में, अब चल रही हूँ जो है कपड़े धुल ले रही हूँ मशीन में। और आज का ब्लॉग अब यही कपड़े धुलने के बाद मैं यही एंड कर रही हूँ। और आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए आज ना मैं बस यही कपड़ा धुल के फ्री हो गई हूँ, अब नाश्ता करूँगी। दोपहर का लंच मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि अभी टाइम है। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ किसी ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।